दोस्तों, इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट में जो HSSC ग्रुप डी का पेपर हुआ है, तो इसमें हरियाणा के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके आपके आंसर बता रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले जो मॉर्निंग में पेपर हुए थे, उससे रिलेटेड भी मैंने जो है दो वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप हाल एजुकेशन में। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा से कि महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली दो जिलों में शुरू की गई है, तो इसमें से एक कौन सा है? तो दोस्तों, ये महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली करनाल और महेंद्रगढ़ में शुरू की गई थी। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा के हैं, इसमें शुरू किए गए थे। आगे जो क्वेश्चन है हरियाणा से, वो है क्वेश्चन नंबर 5 कि दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, खोरिया नृत्य जो है, या खोरिया नृत्य कहते हैं इसको। ये जो है वो दूल्हे के घर पर औरतें परफॉर्म करती है शादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से, हरियाणा का के हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वो हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प जो है वो कमल जो है वो हरियाणा का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि हरियाणा में 2017-18 को कितने जिले हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि चरखी दादरी नया जिला बना है, तो 22 जिले हो गए हैं हरियाणा में, तो कुल जो है वो 22 जिले हैं। और अगर इसमें पुलिस जिले की भी वो भी शामिल कर लिया जाता है तो 24 जिले हैं, क्योंकि जो है हांसी और मानेसर पुलिस जिले हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है वो डाउट है, क्योंकि इन्होंने कन्फर्म नहीं पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट वो किस बेस पे पूछे हैं, क्योंकि अगर सभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं पुलिस जिला के समेत तो दोस्तों इसमें 24 बनेंगे, वरना जो 22 है। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म होना चाहिए पहले तो कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट है हरियाणा क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कपि ध्वज खालिस्तान का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, कपि ध्वज जो है वो अर्जुन को कहते थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है ये है कि एक छोटा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो ड्रम है डमरू भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जो है हम हाथों से बजाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है, कन्फर्म जरूर कर लीजिए आप, ये 50-50 है। 17 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 3 भिन्न कौन से हैं? तो जैसे कि इसमें मणिपुर भिन्न है, क्योंकि नेपाल, भूटान और पाकिस्तान देश है, तो मणिपुर एक राज्य है, तो ऑप्शन सी इसमें है आंसर इसका। 18 नंबर क्वेश्चन में कि अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो मुशायरा करते थे, यानी कि शायरी करते थे, तो उसके लिए प्रसिद्ध हैं, और ये पानीपत के रहने वाले थे, तो ऑप्शन डी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है कि टांगरी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों, टांगरी जो है वो घग्गर की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है, परंतु तो अभी सरस्वती नदी लुप्त प्राय हो गई है, और हरियाणा में जो है इसको खोजने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से, क्वेश्चन नंबर 29 कि साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, साल वृक्ष जो है ये कलेसर के वन में पाए जाते हैं, तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उस साइड में ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान खालिस्तान कहलाता है। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया है, वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो 32 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 हरियाणा से, जो कि हरियाणा विधानसभा खालिस्तान में है। तो दोस्तों, हरियाणा विधानसभा जो है वो चंडीगढ़ में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे जो है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 46 कि महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों, महाभारत में 18 अध्याय हैं, और महाभारत 18 दिन तक चली थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन है। तो सबसे बड़ा जो पांडवों में पुत्र था वो जो इसमें आंसर दे रखा है उसके हिसाब से युधिष्ठिर था। तो युधिष्ठिर जो है वो पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 कि हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को जो है वो मुख्य रूप से पांच भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये पांच भौगोलिक भाग है दोस्तों, शिवालिक, नंबर 2 है गिरिपाद के मैदान, नंबर 3 जलोढ़ मैदान, नंबर 4 बालू के टिब्बे मैदान और नंबर 5 अनकाई दलदल। तो ये पांच भागों में बांटा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 58 कि इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। तो दोस्तों इंदौरी नदी का उद्भव जो है वो इंदौर के नजदीक है। तो इंदौर जो है वो जगह थी, उसी के कारण इसको इंदौरी कहा गया है। और ये जो है वो रेवाड़ी साइड में है। तो इंदौरी नदी अरावली की पहाड़ियों की तरफ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 59 कि दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक कौन सी है। तो ये है दोस्तों ग्रैंड ट्रैंक रोड। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। आगे जो क्वेश्चन है हरियाणा से वो है क्वेश्चन नंबर 61 कि 2017-18 के वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री खालिस्तान द्वारा पटल पर रखा गया है। तो इसमें वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है 61 का। नेक्स्ट है कि कार्यपालक विभाग का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो कार्यपालक विभाग होता है वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है। वैसे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप अपना क्विक थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। 50-50 इसका है। तो ऑप्शन ए इसका हो सकता है। आगे जो है हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें इतने ही थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी जो है आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा दोस्तों, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं और भी जो है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।